खुशी का मौका है कि जब हम पंजाब पुलिस एक दफा फिर अपने आवाम के सामने, अपने मीडिया के सामने, गवर्नमेंट के सामने सुरखरू होकर आए और आपके सामने आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 53 दिन पहले एक वाकया हुआ था मई के महीने में, जो एक वायरल वीडियो हुई थी और उसमें एक बहुत ब्रूटली एक शख्स के हाथ कान और नाक काटे गए थे और फिर उसको गोली मारी गई थी। और वो इतनी ग्रूसम किस्म की वीडियो थी कि वो उसको देखना भी मेरे ख्याल में किसी बहुत सख्त दिल इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल था, नरम दिल के लिए डेफिनेटली वो देखने के काबिल ही नहीं थी। उस वक्त जब ये वाकया हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी कि क्योंकि इलाका आपका नहीं है, ये ट्राइबल एरिया है और डीएमपी एरिया है, लेकिन पंजाब पुलिस इसमें एक्ट करे और वहाँ पे कार्रवाई करे और इन मुलजिमान के खिलाफ और इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसको इसकी बेखबरी करे। आपके शायद इल्म में होगा कि ये डीजी खान का ट्राइबल एरिया है और ये वो एरिया है जहाँ डीजी खान सीमेंट, जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नेशनल लेवल का, वो भी वहाँ पे चल रहा है, उसको भी इस गैंग की वजह से बहुत मुश्किल आती है ऑपरेट करने में। थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूँ, ये गैंग बना तकरीबन 2002 में ये गैंग बना था और ये चूंकि इसका ज़्यादातर काम ट्राइबल एरिया में होता था, कभी कभार ये नीचे आते थे, शुरू में मोटरसाइकिल स्नैचिंग इन्होंने शुरू की और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते अवाम रहतावान करना शुरू किया, भत्ता लेना शुरू किया और उसके साथ साथ ये वक्त के साथ साथ ही बढ़ता रहा और इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो भी बढ़ता रहा। आज से 10 महीने पहले जब मैंने आईजी पंजाब का चार्ज लिया तो तब हमने इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई इसलिए शुरू की कि ये ट्राइबल एरिया से सेंट्रल एरिया में आता था, अवाम रहतावान भी करता था, पुलिस पर बहुत ज़्यादा फायर करने का इनका एक नॉर्मल रूटीन था क्योंकि ये बिल्कुल किसी भी खौफ में आए बगैर पुलिस जहां पर भी इनको नजर आती थी ये फायर करते थे और डायरेक्ट फायर करते थे पुलिस पे। तो आज से 10 महीने पहले हमने इनको टेक ऑन करना शुरू किया। पिछले 10 महीने में हम इनके तकरीबन 10 बंदे मुख्तलिफ पुलिस इनकाउंटर्स में, ऑपरेशन में हम उनके मार चुके हैं, 6 बंदे इनके सरेंडर भी हो गए हैं इसी बीच में। लेकिन गैंग का लीडर जो एक्चुअल बंदा था खुदा बख्श उर्फ खुदी उसको कहते थे, वो जब तक वो ना मारा जाता तब तक इस गैंग को कंट्रोल करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल था और हमारा टारगेट यही था। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी हमें यही टारगेट दिया था कि जब तक इसका लीडर नहीं मारा जाता तब तक ये गैंग हम किसी सूरत भी नहीं कह सकते कि ये कमज़ोर पड़ेगा। इसके खुदी के होते हुए इसमें नए लोग शामिल होते रहेंगे और ये गैंग इसी तरीके से ताकतवर रहेगा, इनके पास लोग आते जाते रहेंगे और ये ख़त्म नहीं होगा। हमने फिर इसमें काम शुरू किया और इसके जो फैसिलिटेटर्स थे हमने इसके फैसिलिटेटर्स को पकड़ना शुरू किया और फिर फैसिलिटेटर्स से हमारे आगे कदम हम आगे चले। फैसिलिटेटर्स जो है वो हमारे सोर्स बने और उन्हीं सोर्सेज की मदद से और अपनी एग्रेसिव कार्रवाई की मदद से अल्लाह ताला ने हमें अब ये कामयाबी दी है कि खुदा बख्श उर्फ खुदी और उसका साथी इस्माइल दोनों 6 बजे मारे गए हैं और ये जो बहुत लंबी जराइम की दास्तान थी इंशाल्लाह उस एरिया में अब ये ख़त्म होगी। खुदी हमें 41 के करीब वारदातों में जिसमें पुलिस पे फायरिंग, भत्तापोरी, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, इस तरह की वारदातों में मुलविस था, हमारे पास भी उसके पर्चे थे लेकिन ज़्यादा उसके केसेस जो है वो बीएमपी के पुलिस स्टेशन में, जो गॉर्डन मिलिट्री पुलिस है उसके पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ ज़्यादा पर्चे हैं। सो उम्मीद ये है कि हम इसके बाद डीजी खान का ट्राइबल एरिया और डीजी खान के लोग एक सुकून का सांस ले सकेंगे और ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो क्रिमिनल्स हैं कि क्रिमिनल जहाँ पर भी हो अल्टीमेटली वो अपने अंजाम तक जरूर पहुँचता है, वो जितना भी कानून से भाग ले, वो जितना भी खुद को महफूज तसव्वुर कर ले, लेकिन अल्टीमेटली वो कानून के सामने आता है और जिस दिन वो कानून के सामने आता है
जैसे वो पुलिस के सामने आता है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। यहाँ पर मैं पंजाब पुलिस और हमने चूंकि सी डी डी को इसको बड़ा एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व किया था, सो सी डी डी को मुबारकबाद भी दूंगा, उनके अफसरान को शाबाश भी दूंगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से भी उनको शाबाश करनी हुई है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत इसमें खुशी का इजहार किया और बहुत इत्मीनान का इजहार किया है और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हम इसी तरह पंजाब के आवाम की खिदमत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर इससे रिलेवेंट कोई सवाल है।